उधर आम आदमी पार्टी और बैंस ब्रदर्स के बीच हुए समझौते पर विरोधियों ने सवाल खड़े किए हैं। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी ने बैंस ब्रदर्स को मौका परस्त करार दिया है। अकाली बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार में बैंस ब्रदर्स का कोई रोल नहीं था, ऐसे में बैंस ब्रदर्स किसके साथ जाते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अकाली बीजेपी ने बैंस ब्रदर्स को मौका परस्त करार दिया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि बैंस ब्रदर्स के शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जहां मर्जी जाएं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कोई नुकसान होएगा, क्योंकि पहले भी दो बारी साड़ी सरकार बनी है और बैंस ब्रदर्स के बिना ही बनी है, तीसरी बारी भी साड़ी नेशनल, एक बीजेपी से नेशनल पार्टी है, अकाली दल एक बड़ी स्ट्रांग पुरानी पार्टी है, इंडिविजुअल दे नाल की फर्क पैंदा जी, और नाल बैंस ब्रदर्स नाल पहले की फर्क पिया जिहड़ा हुण फर्क पएगा। मंत्री पद मंगिया वो नहीं दिता, मेयरशिप मंगी वो नहीं दिती, एमपी की टिकट मंगी सी वो नहीं दिती, विरोध च जाके दूजे पासे पै गए। उस समय तो इन्हों दूसरे लोगों के नाल सौदेबाजियां चलदियां सी, ये सोशल मीडिया च भी कहिंदे रहे, अखबारों च भी बयान देंदे रहे कि साडी दोनों पार्टियां नाल गल चलदी है, जिथे सानू वारा खाऊगी, जिहड़ियां शर्तां सानू वारा खाणगियां, असीं उस पार्टी नूं ज्वाइन करांगे। इहदा मतलब इन्हां लोकां नूं पंजाब दे हित नहीं प्यारे, इसे करके अज आम आदमी पार्टी ने इन्हां दी सौदेबाजी बह गई है। साडे नाल आउण उधर जाण मोर द मैरियर। पंजाब कांग्रेस प्रधान का भी कहना है कि बैंस ब्रदर्स और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली से पंकज तिवारी के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया।